नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर रुपए मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1934 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं सिल्वर $25 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। दोनों में ही लाल निशान पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। गोल्ड जहां 0.25% की करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहा है, वहीं सिल्वर भी 0.5% की करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल के मुकाबले आज जो लेवल्स हैं गोल्ड और सिल्वर के वो थोड़े से ऊपर उठे हैं, बल्कि हालांकि लाल निशान पर हैं लेकिन जो लेवल्स हैं वो थोड़े ऊपर उठे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो पीस टॉक्स हो रहे हैं युद्ध को रोकने के लिए, लड़ाई को रोकने के लिए, सीज वायर के लिए, उनमें उनसे इतना कुछ फ़ायदा देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं उन्हें थोड़ी सी यहाँ पे रिवाइव हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर में कमाई कैसे की जा सकती है, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में आज भी नरमी के साथ ही ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब गोल्ड और सिल्वर की मार्केट हाई वॉलेटाइल हो, तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में कमाई कैसे की जा सकती है? देखिए, अभी फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करती दिखाई दे रही है और बाजार जो है ऊपरी स्तरों से लुढ़के हुए हैं। तो अभी फिलहाल गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर कच्चा तेल। तो अभी सभी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक दबाव बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके चलते शॉर्ट टर्म में अगर कमाई करनी है तो मुझे लगता है कि दिवाली की तरफ रहकर जो कमाई है वो की जा सकती है। और आज इंट्राडे में $1920 तक गोल्ड नीचे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कच्चे तेल की बात करें तो कच्चा तेल कल के मुकाबले और ज्यादा लुढ़कता नजर आ रहा है। WTI $100 के नीचे लुढ़क चुका है, $99 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 पर है। रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपने अपने क्रूड के रिजर्व से जो रिजर्व रिलीज करेंगे क्रूड का, क्या उसकी वजह से ये कच्चे तेल में गिरावट आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभी कच्चे तेल में गिरावट जो है वो डिमांड फैक्टर अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़क चुका है। और अब $100 का लेवल ब्रेक होने के बाद एक्सपेक्टेड है कि नीचे में एक बार $90 तक क्रूड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7500 से लेकर 7400 के रेंज फिलहाल बनी हुई दिखाई दे जी। इसी के साथ रूपा जी, आपको बेस मेटल्स में क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है? क्या बेस मेटल्स में आगे अभी और अच्छी कीमतें देखने को मिल सकती हैं? क्या अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है बेस मेटल्स के अंदर? देखिए, बेस मेटल्स में अभी फिलहाल ऊपरी स्तरों से दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है और अभी बाजार जो है सभी बाजारों के अंदर करेक्शन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस की कीमतें भारत सरकार ने बढ़ा दी हैं, आज से बढ़ा दी हैं, वो भी 6 महीने तक वैध रहेंगी बढ़ी हुई कीमतें। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस में भी अब आने वाले दिनों में ऐसे ही तेजी वाला रुझान रहने वाला है या फिर समर सीजन के चलते डिमांड में कमी होगी? देखिए, अभी फिलहाल ऊपरी स्तरों से नेचुरल गैस में भी दबाव बनता दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए जो एनर्जी के अंदर एक तेजी आती हुई दिखाई दे रही थी, अब कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती नजर आ रही है। चाइना में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है उसका असर भी देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बाजार गिरावट में रह सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है इंट्राडे के अंदर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन? देखिए, आज इंट्राडे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। क्रूड में नीचे में 100 से 150 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है, वहीं सोना भी नीचे में 51,800 तक जा सकता है। सोने और कच्चे तेल में आज बिकवाली की जा सकती है। जी, तो रूपा जी की तरफ से सोने और कच्चे तेल में बिकवाली की सलाह रहेगी नॉन एग्री कम्युनिटीज के अंदर आज इंट्राडे में। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।